हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ द बर्निंग बॉडी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सीरीज की शुरुआत हमें रोजा और उसके बॉयफ्रेंड पेट्रो से दिखाई जाती है, जो दोनों ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और साथ ही एक पुलिस ऑफिसर भी। साथ ही वो दोनों एक साथ रहते हैं, वो भी रोजा की छोटी सी बेटी सोफिया के साथ। लेकिन एक दिन पेट्रो और रोजा का झगड़ा हो जाता है, जिस आर्ग्यूमेंट के कारण पेट्रो घर से बाहर निकल जाता है और उसके बाद से ही वो घर अब तक लौटा नहीं। और उसके कुछ दिनों बाद रोजा को पता चलता है कि पेट्रो की मौत हो चुकी है और उसकी डेड बॉडी पुलिस वालों को कार के ट्रंक से मिली है। जिस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिटेक्टिव एस्टर पहुंची है, और वो रोजा से उसी दिन के बारे में बात करती है जब उसकी बातचीत पेड्रो से लास्ट टाइम हुई थी। और उसी बातचीत के दौरान रोजा डिटेक्टिव को ये बताती है कि इन सारी चीजों के पीछे आवी हो सकता है, यानी कि उसका एक्स हस्बैंड और साथ ही सोफिया का फादर जो मोसेस पुलिस ऑफिसर है। और उस कारण एस्टर उसकी बातों पर बिलीव कर लेती है और जावी के खिलाफ एविडेंस ढूंढना शुरू करती है। साथ ही रोजा ये भी बताती है कि 2nd of May को उसकी आर्ग्यूमेंट पेड्रो से हो गई थी, जिसके बाद उसने उसी मैसेज में रिप्लाई किया था और उसके बाद से ही पेड्रो से उसकी कोई भी बातचीत नहीं हुई। पर इतना ही नहीं, एस्टर को ये भी पता चला है कि पेड्रो के फोन की लास्ट लोकेशन और कहीं नहीं बल्कि जावी के घर के पास की थी। और थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करने पर एस्टर को ये पता चलता है कि जावी उस रात घर था ही नहीं, बल्कि वो अपनी ड्यूटी पर था, जिस कारण से ही जावी उसके सस्पेक्ट लिस्ट में अब आता ही नहीं। पर उसे इन्वेस्टिगेशन करते दौरान उसे रोजा के कुछ पास्ट के बारे में पता चलता है, जिसे उसे इतना तो समझ आ जाता है कि रोजा उसके साथ ऑनेस्ट नहीं। वेल तो उसी पास की बात करें तो उस पास में हम देख पाते हैं कि रोजा और जावी डेट कर रहे थे, जिस दौरान वो पुलिस ऑफिसर बनी। लेकिन जब वो जावी के साथ रिलेशनशिप में थी, उसने उसे चीट किया, वो भी सीनियर ऑफिसर के साथ रिलेशनशिप में थी। साथ ही उस ऑफिसर ने जावी के साथ साथ और भी कुछ लोगों को रोजा की बुरी तस्वीरें भेजी थी, जिससे उस ऑफिसर पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस कारण रोजा को अपना क्षेत्र बदलना पड़ा, जिससे जावी नाराज तो हुआ था। लेकिन रोजा के माफी मांगने पर जावी ने उसे माफ कर दिया और उसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली। साथ ही शादी के बाद उन लोगों को सोफिया हुई, लेकिन रोजा ने फिर जावी को चीट करना शुरू कर दिया, वो भी अपने पेट्रोल पार्टनर एल्बर्ट के साथ, जिस बारे में उनके क्षेत्र में ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता था। और उसे डेट करते हुए उसकी मुलाकात पेड्रो से हुई, जो शादीशुदा था और साथ ही उसका एक बेटा भी था। और बातचीत करते हुए वो पेड्रो के साथ रिलेशनशिप में आ गई, जो सारी चीजें धीरे धीरे जावी को समझ आ रही थी, जिस कारण उसने अपने लिए एक नई गर्लफ्रेंड बनाई और धीरे धीरे टाइम निकाल रोजा को उसने छोड़ दिया। लेकिन अभी भी उन दोनों की एक बैटल चल रही है, वो भी सोफिया की कस्टडी को लेकर। और इन्हीं सारी बातों के बारे में जावी ने एस्टर को बताया है, और साथ ही एल्बर्ट और उसके रिलेशनशिप के बारे में भी, जिससे वो रोजा से एल्बर्ट के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। लेकिन रोजा उसे यही कहती है कि उसका और एल्बर्ट का रिलेशनशिप उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन ऐसा उनके कोवर्कर्स का मानना नहीं था, जिससे ईस्टर को अब ऐसा ही लगने लगा है कि रोजा उसे कुछ छुपा रही है और साथ ही सारा इल्जाम वो जावी पर डालना चाहती है, जिस कारण ईस्टर ये डिसाइड करती है कि रोजा एल्बर्ट इन दोनों के बारे में थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन निकालेगी। जिससे पहले तो ईस्टर को ये समझ आता है कि रोजा एक अकेली इंसान है, जिसने पेड्रो को May 2 को देखा था, और बाकियों को सिर्फ पेड्रो का मैसेज ही मिला, जिसे देख कुछ लोग तो यही कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि मैसेज पेड्रो ने उन्हें भेजा ही नहीं, जिस कारण अब ईस्टर को ऐसा लगने लगा है कि 2 मई को एक्चुअल में पेड्रो जिंदा भी था या नहीं। जिस कारण हम ये नोटिस कर पाते हैं कि रोजा अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रही है कि वो लोग ईस्टर से झूठ कहें कि उन लोगों ने 2 मई को पेड्रो को देखा था। और हम देख पाते हैं कि रोजा के पेरेंट्स ठीक ऐसा ही करते हैं। लेकिन एस्टर को एक और चीज पता चली है, वो भी एल्बर्ट रोजा और पेड्रो के फोन से, कि उन तीनों के फोन की लोकेशन और कहीं की नहीं बल्कि रोजा के घर की थी, वो भी 2 मई की सुबह को। जिस कारण यानी कि ईस्टर ये डिसाइड करती है कि वो फिर से रोजा के पेरेंट्स से क्वेश्चंस करेगी। और उस क्वेश्चनिंग के दौरान हम देख पाते हैं कि इस बार रोजा की मदर फील हो जाती है झूठ बोलने से, और वो वहीं पर रो बैठती है, जिसे ईस्टर को पता चल जाता है कि रोजा ने अपने पेरेंट्स को झूठ कहने के लिए कहा था कि उन लोगों ने 2nd of May को पेड्रो को जिंदा देखा था। जिसे ईस्टर को ये कन्फर्म हो जाता है कि पेड्रो को और किसी ने नहीं बल्कि रोजा और एल्बर्ट ने ही मारा है, और वो जरा भी टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा जाकर
उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि पेड्रो ने अपनी वाइफ और अपने बच्चे को रोजा के लिए छोड़ दिया था और वो रोजा के साथ ही आकर रह रहा था। लेकिन रोजा पेड्रो के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी उसने एल्बर्ट के साथ अपना रिलेशन खत्म नहीं किया था और उस कारण एल्बर्ट पेड्रो से काफी जेलस रहने लगा, जिस जेलसी के चलते उसने पेड्रो को स्क्रीनशॉट तक भेज दिए, वो भी रोजा और उसकी मैसेजेस की। जिस मैसेजेस को पढ़ पेड्रो ने उसे छोड़ तो दिया था, लेकिन वो लौट आया वो भी तब जब रोजा ने अपना लव सोशल मीडिया पर कन्फेस किया, जिस कारण पेड्रो ने उसे शादी के लिए पूछा और रोजा ने हाँ भी कह दिया, जिसके साथ साथ उसे रोजा से एक बच्चा भी चाहिए। लेकिन उनका रिलेशनशिप काफी ही टॉक्सिक था, जिसे रोजा खत्म करना चाहती थी जो वो कर नहीं पाई और उस कारण उसने एल्बर्ट के साथ मिल पेड्रो को ही खत्म कर दिया। लेकिन ये सारा सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि उन दोनों को अरेस्ट करने के बाद रोजा ने अपने पेरेंट्स और अपने लॉयर से ये कहा कि एल्बर्ट ने पेड्रो को मारा है, ना कि उसने, जिसका उसने सिनेरियो भी बताया कि उस रात एल्बर्ट उसके घर एक्स लेकर पहुंचा और पेड्रो को खत्म कर दिया। और इतने समय से वो ये सारी बातें इसीलिए छुपाती आ रही थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि एल्बर्ट शायद से उसकी बेटी को नुकसान पहुंचा सकता है। और जैसे ही ये सारी बातें एल्बर्ट को पता चलती है तो एल्बर्ट भी ये सारा इल्जाम और किसी पर नहीं बल्कि रोजा पर डाल देता है, यही कहते हुए कि रोजा उसका रिलेशनशिप खत्म करना चाहती थी, जिसे खत्म करने के लिए उसने पेड्रो को ही खत्म कर दिया, जिसमें उसने एल्बर्ट का फायदा उठाया, वो भी उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। यानी कि एल्बर्ट के अकॉर्डिंग वो रोजा के साथ था तो सही, लेकिन सिर्फ मर्डर को कंसील करने के लिए, ना कि मर्डर करने के लिए। जिसके 3 साल बाद उन लोगों का ट्रायल हुआ, जिस ट्रायल में रोजा और एल्बर्ट एक दूसरे को ही ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों के पास इतनी इनफ एविडेंस है कि ये दोनों झूठ कह रहे हैं। साथ ही सोफिया ने जावी और उसकी गर्लफ्रेंड को ये बताया है कि उसने अपनी मॉम के कपड़ों पर खून देखा है, वो भी उस दिन जिस दिन पेड्रो की डेथ हुई थी। साथ ही एल्बर्ट का एक फ्रेंड जिसका नाम जुआन जो है, जो कोर्ट में सभी लोगों के सामने ये बताता है कि पेड्रो की मौत के बाद एल्बर्ट ने उसे पूछा था कि मर्डर करने के बाद पकड़ा कैसे नहीं जा सकता, जिसके जवाब में जुआन जो ने उसे यही बताया था कि तुम्हें उसके सारे एविडेंस मिटाने होंगे, जिसके लिए तुम सबसे पहले बॉडी से छुटकारा पाओ, जो एल्बर्ट और रोजा ने किया ही। लेकिन अभी भी कोर्ट को एक प्रॉपर एविडेंस और प्रॉपर टेस्टिमोनीज चाहिए, जिससे ये बिलीव हो जाए कि एल्बर्ट और रोजा ही पेड्रो के मर्डर के पीछे हैं। और अब जब कि उन दोनों की टेस्टिमोनी अनरिलायबल है, तो कोर्ट ये डिसाइड करता है कि ईस्ट एयन के वही डिटेक्टिव उस दिन की सारी बातें बताए जिस दिन पेड्रो की डेथ हुई। और हम देख पाते हैं कि ईस्टर के पास मौजूद एविडेंस से वो यही सजेस्ट करती है कि एल्बर्ट और रोजा ने मिल ये प्लान किया था कि वो लोग पेड्रो का मर्डर करेंगे। और हम देख पाते हैं कि रोजा अपने पेरेंट्स के घर से लौट रही थी, वो भी पेड्रो और सोफिया के साथ, लेकिन रिटर्निंग के दौरान उसकी पेड्रो से आर्ग्यूमेंट हो गई, जिस कारण उसने एल्बर्ट को कॉल किया और उसे बताया कि वो अब और नहीं झेल सकती, साथ ही उन्हें जो काम करना है वो आज ही करना होगा, जिस कारण एल्बर्ट ने एक नया फोन लिया और साथ ही एक नया नंबर भी, जिसे वो रोजा के घर ले जा सके। लेकिन एल्बर्ट ने यहाँ गलती कर दी, वो भी एक्सीडेंटली अपना फोन लेकर। जी हाँ, एल्बर्ट ने उस नए फोन को नहीं बल्कि खुद के ही फोन को ले लिया और सीधा वो रोजा के घर चल पड़ा, वो भी पेड्रो को मारने के लिए, जिससे पुलिस वालों को ये पता चला कि रोजा, एल्बर्ट और पेड्रो उस रात रोजा के घर थे जिस रात पेड्रो की मौत हुई। साथ ही रोजा ने अपनी बेटी को सुला दिया और बात करे पेड्रो की तो उसने उसे ड्रग कर दिया, जिसके बाद उसने उसे बेसमेंट में भेज दिया, वो भी माउस ट्रैप को लगाने के लिए, जहाँ पेड्रो की आग लग गई। साथ ही ईस्टर का ये मानना है कि पेड्रो को मारने के लिए किसी हथियार को इस्तेमाल किया गया था, जिस कारण ही उनकी टीम को रोजा की बेसमेंट की बल्ब और बेसमेंट से कुछ खून के छींक, जिसका डीएनए टेस्ट करने पर ये साबित होता है कि वो खून और किसी का नहीं बल्कि पेड्रो का ही था। जिसके दूसरे दिन रोजा ने अपनी बेटी को अपने पेरेंट्स के घर भेज दिया और अपने यानी कि पेड्रो के फोन से उसने काफी लोगों को मैसेजेस किए। साथ ही उसी रात वो लोग जावी के घर के पास भी गए, ताकि वो लोग इन सारे सिनेरियो में उसे फंसा सके, जिसके बाद वहां से निकल सीधा वो लोग फॉक्स रिजर्वर गए, जहां से पेड्रो की बॉडी मिली थी। और वहां उन लोगों ने कार के साथ साथ यानी कि पेड्रो की बॉडी के साथ उसकी पूरी कार जला दी, जिसके बाद आते ही उन लोगों ने अपने घर के बेसमेंट को पेंट किया ताकि खून को वो लोग छुपा सके। साथ ही सोफिया न सिर्फ पेड्रो के मर्डर की एक अहम गवाह थी, और साथ ही उसने रोजा और एल्बर्ट को एविडेंस मिटाते हुए भी देखा। और अब जबकि सारा सच ईस्टर ने उन लोगों के सामने रखा है, जैसे जूरी ये डिसाइड करती है कि रोजा और एल्बर्ट गिल्टी है। साथ ही उन लोगों ने रोजा को 25 साल इन प्रिजन की सजा दी है, और बात करें एल्बर्ट की तो उसे भी 20 साल इन प्रिजन की सजा दी गई है, जिसके बाद भी उन लोगों ने अपनी फाइल भेजी थी अपील करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे डिसमिस कर दिया। साथ ही
सुप्रीम कोर्ट ने रोजा की और 5 साल बढ़ा दिए क्योंकि वो पेड्रो के साथ रिलेशनशिप में थी, जिस कारण रोजा उस जेल में 2024 तक रहेगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जिसके बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।